हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट प्रिवल बायोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोग कंफर्म करिए मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। हेलो बच्चों, वॉइस आप लोग कंफर्म करिए वॉइस मेरी क्लियर है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब्दुल अदूद, मोहम्मद उबैद, अंकुर पांडे, उशामा खान, शाबना राजभर, गुड मॉर्निंग बेटा, जफर आलम, चित्रा भारद्वाज। बेटा आप लोग वॉइस कन्फर्म करिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। एक्चुअल में बेटा आज मॉर्निंग की क्लास पोस्टपोन करना पड़ा था और वही क्लास अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टाइम पे। एक्चुअली जो है कुछ प्रॉब्लम थी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसके कारण से मॉर्निंग की क्लास आज हम नहीं ले पाए थे और ये क्लासेस जिसमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इम्पोर्टेंट फाइलम्स हैं और क्वेश्चन भी एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं। वंस बेटा आप लोग एक ये कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आपको आ रही क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लासेस जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब पहला फाइलम जो इसमें है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके पहले जो बेसिक्स होते थे सारे फाइलम में आप एक बार रिमाइंड करते थे कि चाहे पॉलीफेरा आपने पढ़ा होगा, सीलेंटेटा पढ़ा होगा, टीलोफोरा पढ़ा होगा, प्लेटी हेलमेंथी, जेस्केल हेलमेंथी, एनीलेडा, इतने फाइलम आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें सारे के सारे फाइलम में कॉमन होती हैं, जैसे बात किया जाए कि उनका हैबिटेट कैसा है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हैबिटेट या तो वो जो है एक्वाटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं, जनरली आप ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हर फाइलम के ऑर्गेनिज्म के बारे में, मेंबर्स के बारे में आप ये रिमाइंड करते हैं। उसके बाद में देखते हैं बेटा कि उनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है। ठीक है, और जर्नल लेयर कौन कौन सी उसमें पाई जाती है, तीनों जर्नल लेयर है, नेटिव टेप्लोप्लास्टिक है कि डिप्नोप्लास्टिक है, सीलोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो ये सब कुछ बेसिक्स होते हैं इससे रिलेटेड जो सारे के सारे फाइलम में आते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही इसमें याद करना है कि जितने भी फाइलम आप पढ़ते हैं सब में सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब क्या हो गया कि इनके जो मेंबर्स हैं बेटा, ठीक है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। इनमें जो मेंबर्स हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहते हैं सारे ग्रुप में, सारे के सारे फाइलम में सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है आपको इसी में मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फाइलम, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा मेंबर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के जो है ग्रुप में पाए जाते हैं, इसी फाइलम में पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करिएगा कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम हो गया, एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ये हो जाएगा जिसमें इंसेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। अपने सराउंडिंग में बहुत सारे इंसेक्ट को आप देखते हैं, कीड़े मकोड़े जिसे आप कहते हैं, ये जो है एक्चुअल में क्या है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए टोटल सारे स्पीसीज का तो ओवर 2/3, आप खुद देखिएगा इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप समझिएगा, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। ठीक है, 2/3 दैट इज 2/3 भाग देखा जाए तो इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे के सारे स्पीसीज में आर्थ्रोपोड के मेंबर होते हैं। 2/3 ओवर अर्थ में देखा जाए
तो ओवरऑल अर्थ पूरी पृथ्वी पे ओवरऑल जितनी भी स्पीशीज है सब में 2/3 अगर देखा जाए 2/3 भाग आर्थ्रोपोड मेंबर्स का आता है। तो आप खुद समझ लीजिए 2/3 बहुत बड़ा पार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिए कि ये लार्जेस्ट फाइलम है और जो है आज सरफेस पे पाया जाने वाली सारी स्पीशीज का 2/3 पोर्शन पार्ट होता है आर्थ्रोपोडा। इनमें पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटी हेलमेंथी, जेस्केल हेलमेंथी, ठीक है, इन सब की कंपैरिजन में ये ज्यादा आप कह सकते हैं एडवांस है और इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गल सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से कौन से इसमें जो है पाए जाते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। आगे बात करें बेटा हम लोग, तो इसमें एक एक पॉइंट करके आप बिल्कुल याद करते चलिएगा साथ में, क्या क्या कि ये सबसे बड़ा फाइलम है। पहली बात, ये जो है सबसे बड़ा फाइलम होता है। उसके बाद में बात करें कि टोटल स्पीसीज इसमें कितने बेटा, तो आप देखेंगे इस पृथ्वी में पाए जाने वाली सारी की सारी स्पीसीज में से 2/3 2/3 भाग जो है ये आर्थ्रोपोड के मेंबर ही होते हैं। तो ये स्पीसीज कंपोजिशन के बेसिस पे भी बहुत बड़ा फाइलम हो गया। और उसके साथ साथ में आप देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलता है। क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री होगा, कैसा होगा बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है। सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, जैसे एनीलिडा में आपने सेगमेंटेशन देखा था तो इसमें भी सेगमेंटेशन होते हैं। और सीलोमेट दैट इज ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन होता है। सीलोम क्या हो गया, आपने देखा जो इंटरनल बॉडी कैविटी होती है मीजोडर्मल लाइनिंग से अगर कवर्ड है, सराउंड है, तो उसी को आप बोलते हैं कि सीलोम। तो बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इस तरीके से इनके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे रिमाइंड करिएगा। आगे अगर हम लोग देखें बॉडी इनकी कैसी है, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन इस टर्म को आप रिमाइंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोगों में एक्सोस्केलेटन नहीं है, हम लोग कहते हैं एंडोस्केलेटन है, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स है जो एंडोस्केलेटन है। बट आर्थ्रोपोड के मेंबर्स को अगर आप देखते हैं बेटा, वीडियोज क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, वॉइस मेरी आ रही है? वीडियो आपको शो हो रहे हैं बेटा? उबैर एक बार मुझे बताइएगा बेटा, चित्रमार ध्वज कोई इंटरप्शन वॉइस में या वीडियो में? जफर आलम ओके बेटा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों में एंडोस्केलेटन है, इसमें क्या है एक्सोस्केलेटन होता है। क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब बाहर इनकी बॉडी में सराउंडिंग कवरिंग होती है किसकी, काइटिन की। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो और फिर बॉडी डिवाइड है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में, मतलब इनकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स कॉकरोच के बारे में हम लोग एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जब एनीलिडा पढ़ रहे थे तो वहां पे
जो एनिलिडा में अर्थवर्म था उसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू चैप्टर्स में। उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जो कॉकरोच होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और उनका लाइफ साइकिल सबके बारे में हम लोग एनिमल टिश्यू में एक सेपरेट चैप्टर है और एक सेपरेट पार्ट है उस चैप्टर में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उस फाइलम से रिलेटेड मेंबर्स के बारे में, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स आपको दिया होता है जो एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग रिमाइंड करिएगा कि ऑर्गेनिज्म ये कैसे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बायलैटरल सिमेट्री हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, सेगमेंटेड हुए और सिलोमेट हुए। स्केलेटन की बात करें तो आर्थ्रोपोड में एक जो स्केलेटन होता है किसका बना हुआ, काइटिन का बना हुआ। आप किसी भी आर्थ्रोपोड के मेंबर को अगर आप देखिए और हाथ से टच करिए, जैसे जो है आप देखते हैं कॉकरोच ही हो गया आपके सराउंडिंग में पाया जाने वाला, या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट आपको, बहुत सारे ऐसे कीड़े आपको सराउंडिंग में दिख जाते हैं, अगर उनकी बॉडी को आप टच करें तो वो थोड़ा सा रिजिड दिखा देता है, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं बाहर से। क्यों? क्योंकि काइटिन की बनी एक्सोस्केलेटन होती है। क्या होती है? काइटिन की बनी एक्सोस्केलेटन होती है। और काइटिन क्या होता है आप इसको पहले से भी जानते हैं, एन एथिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, एन एथिटिल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो आप सिंपली बोलते हैं काइटिन एक्सोस्केलेटन है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, तीन पार्ट में बॉडी इनकी डिवाइड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। याद रखिएगा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में इनकी जो है बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसमें, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं बेटा। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, आर्थोल मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। ये वह स्ट्रक्चर है जिससे ये लोकोमोशन में हेल्प लेते हैं, जिससे ये चलते हैं। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के पाए जाने से इनको आर्थोपोडा बोला गया। आर्थोपोडा का मतलब ही होता है, याद रखिएगा, आर्थोपोडा का मतलब ही है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया? आर्थ्रो मींस जॉइंट और पोडा का मतलब हो गया अपेंडेजेस, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछूंगा और इस चीज को, सारे जो बेसिक पॉइंट है इसको आप जरूर अच्छी तरीके से साथ साथ में रिमाइंड करते चलिए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो एक बार आप उसे मुझे बीच में मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसके बारे में दोबारा आपको समझा दूंगी। बट अगर कोई जो है पॉइंट आपको बीच में ऐसा लगता है कि अभी फिर से जो है समझने की जरूरत है तो मुझे लिखिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या? ऑर्गनल सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सिलोमेट होते हैं, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है, पूरी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, क्या? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये तीन चार पॉइंट जो है बार बार आप इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसी से बेसिक क्वेश्चन आपके नीट में बना लिया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब जो हो गया ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का पाया जाना। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग देखें कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है। बिल्कुल बेटा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है आप गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, या बुक लंग्स भी होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम होते हैं। इसमें से कुछ मैं बेसिक आपको बताऊं कि आर्थ्रोपोडा के वह मेंबर, आर्थ्रोपोडा के वह मेंबर्स जो एक्वाटिक होते हैं, क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। एक्वाटिक मेंबर्स, याद रखिएगा, जितने भी एक्वाटिक मेंबर्स हैं, ठीक है, एक्वाटिक मेंबर्स जो है में जनरली गिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पानी में, वाटर में रहने वाले इनके मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के, उनमें गिल्स होते हैं, या बुक गिल्स कह सकते हैं। बुक लंग्स या ट्रेकियल सिस्टम, जो यहाँ पे आप देखते हैं बुक लंग या ट्रेकियल सिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, याद रखिएगा। तो टेरेस्ट्रियल वाले में जो है क्या हो जाएगा? बुक लंग्स या ट्रेकियल सिस्टम। बट अगर गिल या बुक गिल की बात करेंगे तो ये एक्वाटिक मेंबर्स में होता है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम लोग गिल या बुक गिल या बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। और डिटेल में इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे इसके मेंबर्स को, जैसे कॉकरोच को एनिमल टिश्यू में, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें बेटा, जैसे आपने एनिलिडा में देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता था, बट आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है।
बेटा अगर सिंपली आप देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन या कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है वो आर्टरी जो वेन के द्वारा या आप बोले ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो बॉडी फ्लूइड या ब्लड है वो वेसल्स के जरिए ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, जिसे आप आर्टरी या वेन बोलते हैं। बट इनके मेंबर्स में जो ये वैस्कुलर सिस्टम में जो वेन्स आर्टरी और वेन है, आर्टरीज और वेन, दैट इज आप कह सकते हैं कि जो ऐसे वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं वो जो है पुअर डेवलप होती है, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती, तो इसीलिए ब्लड जो है या जो भी फ्लूइड है बॉडी का वो डायरेक्टली एक तरीके से ओपन होता है एक बड़े स्पेस में जिसे साइनस बोलते हैं, और उसी से सारे के सारे ऑर्गन को भिगोता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो कुल मिला के देखें कि ब्लड वेसल्स के कंप्लीट अच्छी तरीके से डेवलप ना होने से, ब्लड वेसल के अच्छी तरीके से डेवलप ना होने से प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो रिस्पायरेशन भी समझ गया किससे होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझ गए होंगे। सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें बेटा, तो सेंसरी ऑर्गन इनमें होते हैं, जैसे भाई हम लोगों में भी सेंसरी ऑर्गन है, हमारी आंखें सेंसरी ऑर्गन है, हमारे जो ईयर है कान है वो भी सेंसरी ऑर्गन है, आपकी जो हमारी नोज है वो भी सेंसेशन में हेल्प करती है, स्किन है, तो वेरियस टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आर्थ्रोपोड के मेंबर्स में भी सेंसरी ऑर्गन एंटीनी होते हैं, आई आंखें होती हैं, और स्टेटोसिस्ट या जिसे बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट या जिसे बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं, और इन सब की स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आ जाएगा। बस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन हैं, तो सेंसरी ऑर्गन आप कहेंगे कि एंटीनी हो जाएगी, ठीक है, एंटीनी हो जाएगी, याद रखिएगा, और एंटीनी के साथ में जो है आई हो गई, कंपाउंड एंड सिंपल आई, और स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात करें बेटा, तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैल्वेशन ट्यूबुल। अब आप याद करिए, आपने फ्लेम सेल पढ़ा था, रीनेट सेल पढ़ा था, याद होगा, नेफ्रिडिया एनीडिया के मेंबर्स में होता है पढ़ा होगा, बट जो आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं ये मैल्वेशन ट्यूब्यूल के द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्टली डायोसियस होते हैं, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, याद रखिएगा, मेल और फीमेल सेपरेट हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होगा, और ओविपेरस होते हैं, याद रखिएगा, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। ओविपेरस का मतलब जो एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं उन्हें विविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायोसियस इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा इनमें पाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये अच्छी तरीके से बात समझ में आई। अब एक बार कुछ सेकंड के लिए अपने मन में सारे पॉइंट को दोहराइए जो आपने देखा है अभी तक, और एक बार मैं आपका हेल्प करता हूँ चीज को दोहराने में कि इनके मेंबर्स जो है कैसे होते हैं। तो आपने देखा कि पहली बात तो लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, इस अर्थ पे पाए जाने वाले टोटल स्पीसीज का टोटल पोर्शन यही होते हैं। उसके बाद में सिमेट्री आपने देखी थी, तो कैसी सिमेट्री थी, बायलैटरल सिमेट्री थी, टेप्लोब्लास्टिक थे और सीलोमिन में पाए जाते थे। एक्सोस्केलेटन होता था, काइटिन का बना हुआ, बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड थी, हेड थोरेस और एब्डोमेन में, जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, एक्वाटिक हैबिटेट में रिस्पिरेशन ये गिल या बुकगिल से करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बुकलंग या ट्रेकियल सिस्टम से करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो गया, सेंसरी ऑर्गन एंटीनी, आई या स्टेटोसिस या बैलेंसिंग ऑर्गन हो गया, एक्सक्रीशन मैल्वेशन ट्यूब्यूल से हुआ, किससे होगा, मैल्वेशन ट्यूब्यूल से होगा। ऑर्गेनिज्म ये डायोसियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और साथ साथ में जो है आप देखते हैं ओविपेरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। यश वर्मा सतीश सोमेंद्र ने क्या लिखा है, बोथ आर प्रेजेंट इन बुक लंग एंड बुक गेज। आपने बेटा क्वेश्चन पूछा है या कुछ आप बता रहे हैं, मैं आपकी बात को नहीं समझा। देवेंद्र यादव थोड़ा आप लेट से आए, कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून, लेक्चर्स को एंजॉय करिए अच्छी तरीके से। अंकुर पांडे ने लिखा है वॉइस रिपीट हो रही है, अभी भी क्या रिपीट हो रही है बेटा, नहीं अब तो नहीं हो रही होगी,
ठीक है, चल समझ गए होंगे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप आर्थो बोर्ड मेंबर के जनरल कैरेक्टर को बताइए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, और सारे इसके स्पेसिफिक पॉइंट को भी बता सकते हैं। मैं अगर आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो आप बताएंगे। एग्जाम्पल की बात करें बेटा हम लोग, तो कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली मतलब होता है जिससे लोगों को पैसा मिले, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसेक्ट हैं जैसे एपिस, एपिस इंडिका, नाम सुना होगा आपने, हनी बी मधुमक्खी, एपिस द जीनस ऑफ हनी बी, जीनस है तो एपिस मतलब हो जाएगा हनी बी। बॉम्बेस, बॉम्बेस मोराई का नाम सुना होगा, सिल्क वार्म होते हैं ये, रेशम का फॉर्मेशन करते हैं। लैसिफर, लैक इंसेक्ट होते हैं, ये लैक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप लाख बोलते हैं। तो ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, और लैसिफर का भी बड़ा इनको इंपॉर्टेंट है रोल, क्या काम है, कहीं पे सील, जब आपने देखा होगा कि सील लगाई जाती है, मुहर सील लगाई जाती है, किसी चीज को सील कर दिया गया, तो वहां पर इसी लैक को जो है रख के और मुहर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो लैसिफर का जो है काम किया जाता है, लैसिफर जो लैक बनाता है, लैक इंसेक्ट होता है, ये भी बड़ा ही काम का होता है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में एपिस, बॉम्बिस और लैसिफर, आप ऐसे करके सबको याद करिएगा, ठीक है, आप लोग ऐसे करके याद करिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से हैं, तो एनसीईआरटी में तीन दिया गया, तीनों को आप याद रखेंगे, एपिस, बॉम्बिस और लैसिफर। वेक्टर, वेक्टर जो किसी पैथोजन को या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे इनके एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया, क्यूलेक्स हो गया और एडीज मॉस्किटो, ये तीनों वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं, मतलब ये पैथोजन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जैसे एनाफिलीज ने जो है आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को जो है ट्रांसफर किया बॉडी में, मतलब एनाफिलीज के अंदर पहले वो प्लाज्मोडियम आया, फिर एनाफिलीज से जो है हम लोगों के बॉडी में पहुंच गया, और मलेरियल फीवर कॉज होता है, डेंगू भी कॉज होता है, और भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो आप पढ़ चुके हैं, तो ये यही सारे वेक्टर्स हैं जो करवाते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, मतलब ग्रेगेरियस मतलब होता है झुंड में, ग्रेगेरियस मतलब होता है झुंड में, हिंदी कहीं आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ग्रेगेरियस मतलब झुंड में। तो पेस्ट मतलब होता है कुतरने वाले, जो पेड़ को छोटे छोटे पेड़ को कुतर के काट के सुखा देते हैं, खराब कर देते हैं, तो ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब ऐसे जो कुतरने वाले इंसेक्ट हैं, और जो झुंड में पाए जाते हैं उसमें से लोकस्ट या लोकस्ट टेडी जिसे आप बोलते हैं, क्या हो जाएगा, टेडी या लोकस्ट आप बोलते हैं, ये झुंड में रहते हैं हमेशा। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना भी था कि अपने जो है उत्तर प्रदेश में भी और भी कई जो है प्रदेश में टेडियों का झुंड आता था, और ये झुंड जब किसी खेत में पहुंच जाता था, जैसे धान के खेत में, धान की सीजन में ज्यादातर ये आते हैं, तो धान के खेत में तो पूरी रात में ये लाखों की संख्या में होते हैं, इतने ज्यादा झुंड में होते हैं, जो है पूरे जो है रात में ही पूरी फसल को खराब कर देते हैं, और खा जाते हैं जो भी उनके जो है पत्तियां खा जाते हैं, फ्लावर फूल जो निकलते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, तो बहुत नुकसान कर देते हैं इकोनॉमिकली। तो ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट ये हानिकारक है, याद रखिएगा, ये हमारी फसलों को नुकसान कर देता है। लिविंग फॉसिल, इसका एक मेंबर है लिमुलस, जिसे किंग क्रेब बोलते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, किंग क्रेब ये भी याद कर लीजिएगा, याद रखेंगे। द मेंबर्स ऑफ क्रस्टेशियन, अभी आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बात समझ में आएगी आपको, क्रस्टेशियन के मेंबर जो है सच एज डैफनिया एंड साइक्लोप्स, ये सब आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं, डैफनिया साइक्लोप्स एटैक जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन मतलब जो है ये पानी में तैरते रहते हैं, जूप्लैंक्टन के जैसे होते हैं, व्हिच फॉर्म इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन इन वाटर, और वाटर में फूड चेन का इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, क्योंकि ये जो है डैफनिया और साइक्लोप्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो पानी में ये पाए जाते हैं, इनको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव, मछलियां, ये सब इनको खाएंगे, तो ये उनके लिए फूड हुए, तो फूड चेन का काम करते हैं डैफनिया और साइक्लोप्स, जो क्रस्टेशियन के मेंबर है। सेकेंड पार्ट सेगमेंट ऑफ एंटेनी ऑफ मेल मॉस्किटो में जॉनसन ऑर्गन होता है, याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं कि जब भी कभी आपने देखा होगा एंटेनी किसी मॉस्किटो को देखिए, तो आगे जो आपको दो बाल के जैसे स्ट्रक्चर दिखा देते हैं मॉस्किटो में, वो हमेशा हिलाता रहता है, क्यों, और जो है दूसरे सेगमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सेगमेंटेड होता है जो एंटेनी होता है, तो जो सेकेंड पार्ट सेगमेंट है उसमें जॉनसन ऑर्गन पाया जाता है, इसी, और ये जॉनसन ऑर्गन आप कह सकते हैं ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के स्टिमुलस को रिसीव करता है, जैसे आप कहीं भी मॉस्किटो बैठा है
और आप जो उसके आसपास जाके अपनी जो है ताली तेज से बजा दीजिए, कोई आवाज कर दीजिए या ऐसे ही, तो जो मॉस्किटो के आगे इन फ्रंट आई के ऊपर जो आपको दो एंटीना दिखाई देते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो हमेशा हिलते जुलते रहते हैं, उसी से वो जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर हैबिटेट जो भी कंडीशन है एनवायरमेंटल कंडीशन को वो जो है रिसीव करता है। तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था जॉनसन आर्गन कहाँ मिलेगा, तो जॉनसन आर्गन एक जो है जॉनसन आर्गन की अगर बात करें तो जॉनसन आर्गन मॉस्किटो में स्पेशली आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जॉनसन आर्गन मॉस्किटो में किसमें होता है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ एंटीनी, एंटीनी के जो है सेकेंड पार्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा सेकेंड पार्ट में जो है ये मिलता है। ठीक है, तो आप इसको रिमाइंड करके रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जॉनसन आर्गन कहाँ होगा, सेकेंड पार्ट में होगा। आप चाहे तो कहीं एक लाइन लोड भी कर सकते हैं कि जॉनसन आर्गन हैविंग मेनी सेंसरी सेल, बहुत सारी सेंसरी सेल होती हैं जॉनसन आर्गन में, जॉनसन आर्गन हैविंग मेनी सेंसरी सेल, बहुत सारे सेंसरी सेल होते हैं, एंड बाय दिस ऑर्गन मॉस्किटो और अदर इंसेक्ट डिटेक्ट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे जो है आगे निकल जो हमेशा हिलते मिलते रहते हैं इसी से वो पहचान डिटेक्ट करता है जो भी आसपास में सराउंडिंग कंडीशन है, याद रखिए इस चीज को। फिर आगे है लार्वा ऑफ मॉस्किटो इज नोन एज रेगुलर, इसके लार्वा जो है मॉस्किटो की ये रेगुलर कहलाते हैं, याद रखिएगा ये भी जनरल पॉइंट है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन देखने के पहले आप पहले कुछ क्वेश्चंस बताइए मुझे, जिससे मुझे फील हो कि आप लोग एक्टिव हैं और क्वेश्चंस समझ पा रहे हैं। अगर बात किया जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है, रागिनी भारद्वाज, देवेंद्र यादव, अंकुर पांडे, जो जो भी एक्टिव हैं जल्दी से आप आंसर बताइए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसमें, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, क्लोज होता है या ओपन होता है। हाँ बहुत बढ़िया, कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया, चित्रा भारद्वाज ने बताया ओपन होता है। एक्वाटिक हैबिटेट में बेटा, एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाने वाले आर्थ्रोपोड रेस्पिरेशन कौन से स्ट्रक्चर से करते हैं ये बताइए। बहुत बढ़िया, उसामा खान ने भी बोला ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आर्थ्रोपोड के मेंबर्स जो एक्वाटिक होते हैं वो रेस्पिरेशन किस स्ट्रक्चर से करते हैं, शायद आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, दीपक पासवान ने भी ओपन बोला है। बहुत बढ़िया दीपक चौधरी शाबाश बेटा, आपने बोला गिल से होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दीजिए मुझे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है। बहुत बढ़िया, उसामा खान ने भी बोला गिल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है आर्थ्रोपोड का, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड का कौन सा है। चित्रा भारद्वाज ने भी बोला गिल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक पासवान ने भी बोला गिल, बहुत बढ़िया बेटा। दीपक चौधरी ने भी गिल बोला है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, एक और बता दीजिएगा जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ओके, मैलबिगन ट्यूब्यूल दीपक चौधरी ने बोला, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब बेसिक से सारे आप लोगों को क्लियर हो गए, यानी बेसिक से जितने भी थे वो सारे क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किया कैसे किया गया है, जबकि ये एनसीईआरटी में आपके नहीं है, फिर भी बेटा हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्लासिफिकेशन जरूर देखेंगे। तो तीन सब फाइलम में आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया जाता है, ट्राइलोबीटा, चेलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा। ठीक है, अब हर अब ट्राइलोबीटा का डिस्क्रिप्शन आपको है नहीं, इसमें पढ़ना नहीं है ज्यादा। चेलिसेरेटा को जो है अलग अलग तीन क्लास में डिवाइड किया गया, एक पिक्नोबोनीटा, एक है मीरोस्टोमेटा और एक है एरेक्निडा, तीन में डिवाइड किया गया। अब इसमें सब आपको रटना नहीं है,
लिमुलस को अभी देखा था, किंग क्रेब कैसे था लिविंग फॉसिल, उसको तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो चेरिसिरेटा का ही मेंबर है। एरेक्निडा में मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बस आप ये याद रखिएगा ये लास्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपसे क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, जो आप पढ़ते हैं बेटा जो है स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियन, उसका जो जूलॉजिकल नेम है, उसका जीनस होता है पैलामनियस स्कॉर्पियन को कहते हैं, और ये कौन से क्लास में आता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एरेक्निडा में आता है। लाइकोसा मकड़ी जो होता है स्पाइडर, ये भी किस में आता है, एरेक्निडा क्लास में आता है। और आइजोड्स जो होता है इसे टिक, इसे हिंदी में आप किलनी बोलते हैं, किलनी, ये कुत्तों में और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो जिनकी ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है, उनके कान के पीछे आसपास बॉडी में कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं, किलनी आप बोलते हैं, टिक ये जो है उनके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये एरेक्निडा क्लास के तीनों मेंबर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो एरेक्निडा क्लास में कौन कौन से मेंबर्स, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी और टिक, केलनी, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, और इनका जूलॉजिकल नेम जीनस भी याद कर लेना। मैंडिबुलेटा मेंबर क्रस्टेशिया एक क्लास है, कौन सा हो जाएगा, क्रस्टेशिया हो जाएगा, इंसेक्टा हो जाएगा, इंसेक्टा क्लास हो जाएगा मैंडिबुलेटा में ही, और एक डिप्लोपोडा हो जाएगा, एक चील जो है चीलोपोडा हो जाएगा, और एक जो है आपको देखने को मिलता है पोरोपोडा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप याद करिए। क्रस्टेशिया में अभी आपने पढ़ा ही साइक्लोप्स जिसे वाटर फ्ली बोलते हैं, ये फूड चेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। प्रॉन का भी नाम सुना होगा आपने, पैलीमोन प्रॉन होता है, ये भी मैंडिबुलेटा का मेंबर्स है। और कैंसर, कैंसर क्रेब केकड़े को आप बोलते हैं, ये भी क्रस्टेशिया का मेंबर हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्रस्टेशिया से भी इंपॉर्टेंट है, एक तो एरेक्निडा का याद करिएगा, एक क्रस्टेशिया का आप याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो इंसेक्ट, इंसेक्टा क्लास है, इंसेक्टा क्लास में बेटा, इंसेक्टा क्लास में जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सारे के सारे हैबिटेट में मिलते हैं। पेरी प्लेनेटा नाम सुना होगा आपने, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच को बोलते हैं, मस्का हाउस फ्लाई को बोलते हैं, और मॉस्क्यूटो हो गया, लोकस हो गया, टीटी जिसे आपने बोला, टर्माइट डीमक हो गया, सिल्वर फिश हो गया, बी बटरफ्लाई एंड वैस्प। तो इसके इन सारे मेंबर्स को आप याद कर लीजिएगा कि इंसेक्टा में कौन कौन से आते हैं, काकरोच, मच्छर, लोकस मतलब टीटी, टर्माइट मतलब दीमक, सिल्वर फिश, बी बटरफ्लाई और वैस्प, ये सब किस में आएंगे, इंसेक्टा में आएंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और तो आगे फिर सिंपल है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तीन जो आपको मैंने बताया, एक एरेक्निडा के मेंबर्स को याद करेंगे आप, और दूसरा आप याद करेंगे जो है क्रस्टेशिया के मेंबर को, और तीसरा इंसेक्टा के मेंबर्स को, इतना जरूर याद कर लीजिएगा, और आगे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, और आगे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल होते हैं डिप्लोपोडा के मेंबर, थाइलोग्लूटस मिलीपीड देखा होगा, और चिलोपोडा टेरेस्ट्रियल सेंटीपेड देखा होगा, और पोरोपोडा पोरोपस, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको जितना मैंने बोला, एक इंसेक्टा, एक क्रस्टेशिया और एक एरेक्निडा क्लास, और कौन से फाइलम के हैं ये, और क्लास और इनके मेंबर, इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ए जो बना बेटा ये लोकस्ट है, बी जो बना है वो बटरफ्लाई है, सी जो बना है स्कॉर्पियन है, और डी बना है जो है प्रॉन है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि जो बटरफ्लाई है, ठीक है, अभी आपने देखा बटरफ्लाई हो गया, या जो है लोकस्ट हो गया, या प्रॉन हो गया, तो इस, या आपसे पूछ लिया जाए स्कॉर्पियन हो गया, तो ये कौन से क्लास में आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मुझे एक बार बताइए लोकस्ट किस में आएगा, अभी अभी पढ़ा था आपने, जल्दी से आंसर दीजिए फिगर को देखे, लोकस्ट का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अभी पढ़ा है तुरंत, लोकस्ट किस में आएगा, कौन सी क्लास में आएगा, बहुत बढ़िया, लोकस्ट, लोकस्ट कौन सी क्लास में आएगा, लोकस्ट बेटा आएगा, अभी देखा आपने इंसेक्टा में, बहुत बढ़िया, इंसेक्टा क्लास में आएगा, इंसेक्टा क्लास का सब फाइल क्या है, मैंडिबुलेटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई किस में आएगा, तो अभी आपने देखा बटरफ्लाई भी इंसेक्टा क्लास में आता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्कॉर्पियन किस में आएगा, तो आपने देखा एरेक्निडा क्लास में आता है स्कॉर्पियन, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे अगला आगे बना हुआ ये प्रॉन, इसको बहुत लोग जो है पकड़ के खाते भी हैं, तो प्रॉन जो है ये किस में आएगा, तो अभी आपने देखा था प्रॉन जो है, प्रॉन प्रॉन बोलते थे किसे, आप कह सकते हैं पैलीमोन जो था वो क्रस्टेशिया में आता है। तो ये चारों फिगर कौन से क्लास में आते हैं इसको आपको जरूर याद करके रखना है, और शायद जो है सबको याद भी होगा, बहुत बढ़िया बताया भी सब लोगों ने, दीपक चौधरी ने बोला, उसामा खान ने बोला इंसेक्टा, चित्रा भारद्वाज ने इंसेक्टा, रागनी भारद्वाज बहुत बेटा इंसेक्टा, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखा आपने ये फाइलम आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दूसरा फाइलम मैं आपको जो है बता रहा हूँ फाइलम मोलस्का के बारे में, ठीक है। जैसे ही उसमें देखा गया सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो है सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है, ठीक है। ये मेंबर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं बेटा, एक्वाटिक भी होते हैं, कुछ मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ही जैसे इसके पहले आर्थ्रोपोडा में देखा सिमिट्री, इसमें जो है बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। तो ये तीन अभी तक के कैरेक्टर आपको आर्थ्रोपोडा के हिस्सा मिले, याद रखिएगा। बस आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन था वो काइटिन का बना था, जबकि इसमें बाहर जो है आप कह सकते हैं कवरिंग होती है जो है कैल्केरियस सेल की, सेल मतलब जो है कवच होता है। आपने पायला देखा होगा, शंख देखा होगा, शंख हर किसी के घर में होते हैं बजाते बजाने के लिए, तो शंख जो है उसकी जो आप या पायला देखा होगा नदी के किनारे, ठीक है, सीप देखा होगा, तो उनके बाहर जो है कैल्केरियस सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग होती है, याद रखिएगा। बॉडी बेटा इनकी अनसेगमेंटेड होती है, जबकि आर्थ्रोपोडा में आपने देखा था सेगमेंटेड थी। इनकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड हो गया, क्या हो गया, हेड मस्कुलर फोल्ड एंड बेसल हम, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इनकी बॉडी को, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ गया कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे एक्वाटिक में मिलेंगे, एक्वाटिक में बेटा मैरीन में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री होती है, याद रखिएगा, और बायलैटरल के साथ साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होते हैं, जो बाहरी कवरिंग होती है कैल्केरियस सेल की होती है और अनसेगमेंटेड होती है बॉडी, इनकी तीन पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं, हेड मस्कुलर फोल्ड और विसरल हम। आप देखिए इस फिगर को, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आगे वाले पोर्शन को आपने क्या बोला, हेड बोला, क्या बोला, हेड बोला, ठीक है। ये पोर्शन जिससे ये लोकोमोशन में हेल्प लेते हैं, इस पोर्शन को आपने बोला फीट, क्या बोला, फूट बोला, पैर वाला पोर्शन, और ये जो है हेम्प मतलब होता है कोवर्ड, उभरा हुआ पोर्शन। तो ये पोर्शन जो है आप देखिए ये क्या है, ये विसरल हम्प है और इसी के अंदर पूरे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो बॉडी को इस तरीके से तीन पार्ट में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इसको आप समझ जाएंगे, हेड में, फूट में और विसरल हम्प में, याद रखिएगा। फूट कैसा होता है, तो मस्कुलर होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये मोलस्का का, तो इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए, ठीक है, तो ये माउथ वाला रीजन है, आगे वाला एंटीरियर पोर्शन है, और माउथ जहाँ पे होता है उसके पास में यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये रेडुला एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों के मुंह में दांत होते हैं ऐसे कटिंग चीजों को काटने के लिए यहाँ पे रेडुला होता है, ये कट करता है जो भी खाए पिएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। हार्ट आप देख रहे हैं, हार्ट भी इनमें जो है यहाँ पे प्रॉपर वे पे देखते हैं, किडनी का टर्म आ गया, किडनी भी जो है आपको देखने को मिल रही है, इनकी मेंबर में किडनी भी होती है, ठीक है। बाहर ये सेल है जो आप ग्रे कलर डार्क ग्रे कलर का देखते हैं, ये सेल है, ये क्या है, सेल, इनका सेल मतलब कवच है, ठीक है, क्या है, सेल मतलब कवच होता है,
ठीक है। और उसके नीचे आपको ये जो है डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये मेंटल है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ लीजिएगा, मतलब इनके सेल के नीचे मेंटल एक स्ट्रक्चर पे आ जाता है, और मेंटल और सेल के बीच में जो है आप देखते हैं मेंटल के नीचे यहाँ पे आपको कैविटी दिखाई देती है, जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके जनरल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। गिल भी होते हैं इनमें, आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में, पोस्टीरियर साइड में आपको गिल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फूट वाला पोर्शन आपको मैंने पहले ही दिखाया था। तो स्ट्रक्चर को देख लेना बहुत जरूरी है, जिससे अभी आप आगे देखेंगे तो समझ में आए बात। तो सेल बाहर कवरिंग जो है कठोर जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके बाद मेंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंटल, उसके बाद मेंटल कैविटी भी आपको देखने को मिल रही है। एंटीरियर रीजन में माउथ है, पोस्टीरियर रीजन में एनस है, और गिल पोस्टीरियर रीजन की साइड में आपको सिचुएटेड दिखाई देता है। नर्व कार्ड भी पाए जाते हैं, विसरल नर्व कार्ड। आगे एंटीरियर रीजन में देखिए नर्व रिंग बना हुआ है, गट है, ये सारी चीजें। बट जो इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंड कराया। तो फिगर को एक बार आप समझिएगा, जिससे आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर आगे, ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम। ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, सॉफ्ट मतलब मुलायम, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन की आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, पूछेगा भी कि जो स्पॉन्जी लेयर है, सॉफ्ट लेयर जो, या जिसे आप मेंटल बोलते थे, क्या बोलते थे? मेंटल। ये किसकी बना है? तो ये जो मेंटल है बेटा, याद रखिएगा, ये आप देखिए यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, केसरिया कलर में यहाँ पे। तो ये जो है मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल मतलब सेल के नीचे मेंटल। मेंटल किस चीज का है? स्किन है। वो क्या है? स्किन है। किसके ऊपर होता है? ओवर विसरल हम्प। विसरल हम्प मतलब ये जो कुबड़ वाला एरिया है, जो फूला हुआ ओवरा होता है, उसके ऊपर आपको मेंटल मिलेगा। तो अगर मेंटल की पोजीशन पूछी जाए तो आप बोलिएगा कि विसरल हम्प के ऊपर जो है ये कवरिंग बनाता है, और ये स्किन है, और स्किन के बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है। याद रखेंगे इसे, इस चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बीच में स्पेस? स्पेस बिटवीन हम्प में और मेंटल, मेंटल के बीच में। हम्प क्या हो गया? आप देखिए उभरे हुए पोर्शन को हम्प बोलते हैं। हम्प मतलब कुवर टाइप का जो एरिया है, इसे आप हम्प बोलते हैं। क्या हो जाएगा? हम्प हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम्प हो गया। तो मेंटल और हम के बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी को विसरल मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। तो ये पोजीशन पूछी गई है कई बार कि मेंटल कैविटी किसके बीच में होता है। तो मेंटल कैविटी सिचुएटेड, मेंटल कैविटी सिचुएटेड बिटवीन हम्प एंड मेंटल। हम्प वो कुवर वाला उभरा हुआ पोर्शन, मेंटल मतलब स्किन की जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी कवरिंग। तो उसके बीच में जो है यहाँ पे आपने देखा, उसके बीच में यहाँ पे आप देखते हैं कि मेंटल कैविटी होता है, जिसमें फेदर लाइक गेयर्स होते हैं। उसी मेंटल कैविटी में अगर आपसे पूछा जाए कि जो है गेयर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो उसी जो है मेंटल कैविटी में गिल के गिल प्रेजेंट होते हैं। आपने फिगर में देखा था, आपको देखिए ये मेंटल कैविटी थी, इसी मेंटल कैविटी में आपको गिल सिचुएटेड दिखाई दे रहे हैं। और मेंटल कैविटी किसके बीच में है? ये जो विसरल पोर्शन है, जो हम्प है, इसके बीच में और मेंटल के बीच में। तो इस तरीके से आप रिमाइंड करिएगा, ठीक है। आगे रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, ठीक है, दे है इसी गिल में। अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन होते हैं। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल। अगर हेड रीजन पे आप देखेंगे तो सेंसरी टेंटिकल होते हैं। दूसरे फिगर में यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो है आपको ये इंसेक्ट नदी तालाब के किनारे आपको घूमता हुआ मिल जाता है, इधर उधर कहीं। और जब इसके ये जब चल रहा होता है तो इसके माउथ पोर्शन में ऐसे आगे का ऐसे भाग निकलता है बाहर, और फूट की मदद से ये आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसे हाथ से टच कर लीजिए तो ये अपने हेड वाले रीजन को इसी सेल के अंदर, ये जो डार्क कलर ये सेल है, इसके अंदर छिपा लेता है, और लगता है इसने एक ढक्कन बंद कर लिया। कहीं ना कहीं तालाब के आसपास में देखा होगा, पाइला को देखा होगा, उसमें भी ऐसे जो है कैरेक्टर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि ये जो बाहर निकला पोर्शन तब है जब ये एक्टिव रहेगा और लोकोमोशन मूवमेंट कर रहा होगा, लेकिन जब ये इनएक्टिव फॉर्म में कुछ काम नहीं कर रहा है तो ये पोर्शन इसी सेल के अंदर, इसी कवच के अंदर बंद हो जाता है। ऊपर एक ढक्कन के जैसा आपको एहसास होता है कि लगता है, ठीक है, याद करिएगा इसे। तो कुल मिलाकर सेंसरी ऑर्गन आई है, आई आपको दिखाई दे रहे हैं इस पोर्शन पे, आई जो है आपको यहां मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला आई का पोर्शन हो गया, ये आई का पोर्शन हो गया, ठीक है, दैट इज इसी टेंटिकल रीजन पे पाए जाते हैं।
ठीक है, आई हो गया। उसके साथ में आपने देखा यहाँ पे कि स्टेटोसिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट एंड आफ्रेडिया। आफ्रेडिया एक कीमोरिसेप्टर होता है, क्या होता है, कीमोरिसेप्टर होता है, याद रखिएगा। तो सेंसरी टेंटिकल भी है, आई भी है यहाँ पे, ठीक है। और सेंसरी स्ट्रक्चर में स्टेटोसिस्ट और आफ्रेडिया, स्टेटोसिस्ट और आफ्रेडिया, ये सारे स्ट्रक्चर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप याद कर लीजिएगा एक एक करके कि ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर है, क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, इसे आप अच्छी तरीके से रिमाइंड करिएगा, ठीक है। अब आगे और ऑफ्रेडिया जो है ये कीमोरिसेप्टर है, क्या है, कीमोरिसेप्टर है, इसे आप रिमाइंड करिएगा, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग बेटा यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो माउथ में फाइल लाइक, फाइल मतलब आरी नुमा, फाइल लाइक ब्लेड नुमा, फाइल लाइक रेस्पी मतलब होता है रगड़ने वाला, रेस्पिंग ऑर्गन, इनके माउथ पोर्शन पे, माउथ के साइड में फाइल लाइक पत्ती कह सकते हैं, आरी देखा होगा लकड़ी काटने के लिए, आरी आ रहा है उसमें छोटे छोटे दांत की जैसे स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, तो वैसे ही फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग मतलब रगड़ने वाला, जिससे फीडिंग में हेल्प लेते हैं, उस ऑर्गन को रेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रेडुला बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे मैं भी फिगर में आपको दिखा भी दूंगा, क्या होगा, रेडुला होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो इस फिगर में आपको रेडुला दिखाई दे रहा है, ये आरी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है कट करते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए तो यहाँ पे भी ये रेडुला है और आरी के जैसा, जैसे आरी होती है लकड़ी काटने की, वैसे दांत इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो रेडुला ये चीजों को काटने में रगड़ने में हेल्प लेता है, ठीक है, इसे समझेगा। दे आर यूजुअली डायोसियस, इनके मेंबर्स कैसे हैं, ये डायोसियस होते हैं, कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं, डायोसियस और ओविपेरस होते हैं, आप इसे समझ के रखिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कैसे होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से रिमाइंड करिएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर, पायला एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिक टेडा पर्ल ऑयस्टर जिसे मोती समंदर में पाए जाते हैं, मोती बनती है, सीपिया कटर फिश होती है, लोलिगो स्क्विड होता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, एप्लेसिया सी हियर बोलते हैं, डेंटेलियम जो है टस्क सेल बोलते हैं, याद रखिएगा, और चीटो प्लूरा काइटान बोलते हैं। तो इतने मेंबर्स आप जरूर याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपको मिलते हैं। तो डायोसियस हो गए, ओविपेरस हो गए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है इनमें हीमोसाइनिन है, और हीमोसाइनिन जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, बट मोलस्कन के मेंबर में क्या होता है, हीमोसाइनिन है, और इसमें हम लोगों में जैसे आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, बट इनकी हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, और ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, जबकि हम लोगों में हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो बेसिक करेक्टर्स आपको बात समझ में आ गई होगी, आप यहां से रिमाइंड करिएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक भी होते हैं, मैरीन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, टेप्लोब्लास्टिक सीरोमेट बाहर कैलकेरियस सेल की कवरिंग होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हेड मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में, और फिगर से मैंने आपको दिखा दिया है जो है हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी होती है, उसमें गिल पाए जाते हैं, याद रखिएगा, और जो है किडनी स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये भी चीजें आपने देखा, ठीक है। रेडुला ये माउथ पोर्शन पे है, ठीक है, फूट से ये चलने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओपन टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपली आप बोलते हैं और रिमाइंड करते हैं चीजों को, ठीक है। और भी रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये उसमें हेल्प लेता है। तो ऐसे करके सिंपल सिंपल एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी आप उसको कर ले जाए। बात समझ में आ रही सबको लोग, बात समझ में आ रही है, इसको आप समझ रहे हैं। चलिए और देखते हैं।
हार्ट भी देखा आपने स्ट्रक्चर, इसमें क्या देखा, हार्ट भी देखा, ओपन और सर्कुलर, ओपन और क्लोज के बारे में भी एक पॉइंट आपको मिल भी जाएगा आगे, जहां पे आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं बेटा मोलस्का का। मोलस्का का क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो मोलस्का के क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लास है वो है मोनोप्लेकोफोरा। आप ऐसे करके, अब जो इसमें भी मैंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, जबकि एनसीईआरटी में नहीं होता है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं टिक कराऊंगा, उसको आप समझ लीजिएगा। तो मोनोप्लेकोफोरा ये क्लास है और इसमें एक मेंबर न्यूप्लाइन आता है। दूसरा क्लास है ए प्लेकोफोरा, इसमें न्यूमेनिया आता है। नेक्स्ट है पॉली प्लेकोफोरा, इसमें काइटॉन आता है। गैस्ट्रोपोडा में पाइला, लाइमेक्स, पटेला और टर्मिनेला आता है। अब अभी इतने थे, आपको केवल कौन सा याद रखना है अच्छी तरीके से, गैस्ट्रोपोडा के बारे में, क्या गैस्ट्रोपोडा के बारे में आपको रिमाइंड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो है देखें तो इसके फोपोडा डेंटेलियम आता है, फिर पेरिसिफोडा जिसमें वेरिया आता है, मिटिलस आता है, यूनियो आता है, पिंटेडा पर्ल ओस्टर आता है। तो यूनियो का, लेमेली डेंस का और पिंटेड का, इसकी क्लास को भी आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सा, पेरिसिफोडा के बारे में, ठीक है, रिमाइंड करेंगे इसे। और उसके बाद में बात कर बेटा सेवंथ जो क्लास है, सेवंथ क्लास सिफेलो, आप बोलते हैं इसमें कौन सा, सिफेलोपोडा, इसमें लोलिगो इम्पोर्टेंट है, सीपिया और ऑक्टोपस इम्पोर्टेंट है, आर्किटिथिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पाएंगे। तो आपको एक तो क्लास तीसरा वाला, सॉरी क्लास चौथा वाला गैस्ट्रोपोडा, उनके मेंबर्स को याद करना है। उसके बाद क्लास छठा वाला जिसमें पेरिसिफोडा है, उनके मेंबर्स को जो मैंने हाईलाइट किया याद करना है आपको, सिफेलोपोडा में भी जो है आपको याद करना है, ठीक है, इनके मेंबर्स को। तो क्लासिफिकेशन में आप इतना ही रिमाइंड करिएगा, आपके जो है क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। मोलस्का की मैं बात किया जाए तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जब, लेकिन हार्ट पाया जाता है। लेकिन सीपिया आपने देखा, सीपिया जिसे आप सीप बोलते हैं, सिफेलोपोडा का मेंबर है, ठीक है। सीपिया एंड अदर सिफेलोपोड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ज्यादातर मोलस्कर में सर्कुलेटरी सिस्टम तो ओपन होता है, बट बेटा याद रखिएगा कि सिफेलोपोडा के मेंबर्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये आप कह सकते हैं क्लोज होता है। तो इसका मतलब सिफेलोपोडा इज एडवांस क्लास इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ द मोलस्का, ये ज्यादा एडवांस है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो आर्किटिथिस है, आर्किटिथिस क्लास 7 से मेलोपोडा में देखा था, आर्किटिथिस इन्होंने जायंट स्क्विड, क्या बोलते हैं, जायंट स्क्विड भी बोलते हैं इसे, और ये लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट है, इससे बड़ा इनवर्टिब्रेट कोई नहीं है, एग्जाम्पल को याद करके रखिएगा। गैस्ट्रोपोडा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाया बेलीगट, बेलीगल लार्वा है, याद रखिएगा, एंड टोकोफोल लार्वा भी इसी में मिलते हैं, ठीक है। पेरिसिफोडा में गॉल्जीडियम लार्वा होता है, तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बेलीगल टोकोफोल मिलेंगे गैस्ट्रोपोडा में, जैसे ग्लॉचीडियम मिलेंगे पेरिसिफोडा में, इस सबको आप रिमाइंड करिएगा, ठीक है बेटा। ये फिगर बना हुआ है, ए पाइला है और बी ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी जो है डेविल फिश बोलते हैं, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, इसी के मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इकाइनोडर्मेटा दीज एनिमल हैविंग एंडोस्केलेटन, इनमें एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन किस चीज का है, कैलकेरियस ऑस्कल, कैलकेरियस मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट के ऑस्कल्स होते हैं। इकाइनोडर्मेटा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी बॉडी अगर आप देखें तो स्पाइनी बॉडी, लगता है इनके शरीर के ऊपर कांटे कांटे वाली संरचना है, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इनके सारे के सारे मेंबर्स मैरीन है, एक भी मेंबर्स जो है आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, सिमेट्री एक एडल्ट में, याद रखिएगा एडल्ट होंगे सिमेट्री रेडियल होगी, लेकिन लार्वल स्टेज में सिमेट्री होती है बाइलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी आप याद करिएगा, एग्जाम में आप और टेस्ट में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, किसका बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पाइनी बॉडी इनके सरफेस पे दिखाई देती है, सारे के सारे मेंबर्स मैरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री बट जो है बायलैटरल सिमेट्री मिलती है लार्वल स्टेज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक वैसे ही जैसे पिछले फाइलम में आपने देखा था, सीलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें कंप्लीट होता है, याद रखिएगा।
माउथ ऑन लोअर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माउथ इनके लोअर या वेंट्रल साइड में मिलता है जबकि एनस इनके जो है अपर साइड डार्सल साइड में मिलता है, अपर साइड और डार्सल साइड में मिलता है। इस फिगर को मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये फिगर है, अब ये एनस वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनस पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है एनस वाला पोर्शन जो ये दिखाई दे रहा है, तो ये एनस पोर्शन कहाँ हो जाएगा, डार्सल साइड में। इसके पीछे अब इसके बैक साइड में अगर आप देखते हैं, इसके जस्ट पीछे नीचे की साइड में, उस साइड में आपको माउथ दिखाई देता, तो ये स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं जैसे अपने हाथ को सामने की दीजिए, तो जो नीचे का डार्सल रीजन है वो एनस हो जाएगा, और जो आपका हथेली वाला रीजन है ऊपर वाला, ये वेंट्रल हो जाएगा और इस पे माउथ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इनमें भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। तो माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, जबकि जो एनस है बेटा ये अपर डार्सल साइड पे पाया जाता है। तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इकाइनोडर्मेटा का, सबसे डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट क्लियर अलग, और जो है इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है कौन सा ऐसा फीचर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जबकि पॉलीफेरा के मेंबर्स में आपने देखा था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑस्टियास्कुलम वाला, जबकि यहां मैंने उस दिन बताया भी था कि इकाइनोडर्मेटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, याद रखिएगा। हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में कैप्चर करते हैं, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर ट्रांसपोर्ट फूड और एक्सप्रेशन में। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में भी अपने मुंह में जैसे पानी मतलब भर लेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम, फिर तेजी से प्रेशर से जो है फव्वारे की जैसे फेंकेंगे तो जो है जब पानी आगे जाएगा तो इनकी बॉडी पीछे को शिफ्ट होगी, ठीक है। तो सिंपली लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, फूड को भी कैप्चर करने में, एक्सप्रेशन में भी से हेल्प लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। सेक्सेस जो है बेटा वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट का मतलब हो गया डायोसियस यूनिसेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होता है, सॉरी एक्सटर्नल होता है, याद रखिएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसका मतलब लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एस्टेरियास स्टारफिश है, एकाइनस है, सी अर्चिन एंटीडॉन है, कुकमेरिया सीकोकम्बर एंड ऑफेरिया ब्रिटल स्टार। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, जिसे आप तारा मछली कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर फिगर एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ, उसके बाद क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो आपको अगर एनस दिखाई दिया तो समझ लीजिएगा डार्सल सरफेस है, क्या है डार्सल सरफेस, उसके बगल में मैटीपोराइट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्टमक भी है, रेडियल कैनाल है, गोनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, सेंट्रल रिंग कैनाल है, ठीक है, इसे आप समझ के रखिएगा। ट्यूब फूट एम्पुला, आपको ट्यूब यहाँ पे आपको देखिए ट्यूब फूट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये पोडियम टाइप का बाहर निकला हुआ है। देखने में फिगर देखने से ऐसे लग रहा है जैसे इनके सर पे कांटे निकले हुए हैं, तो स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काइनोडर्मेटा, याद रखिएगा। ए वाला फिगर एस्टेरियास है, बी वाला फिगर ओफायूरा है, याद करिएगा इस चीज को। क्लासिफिकेशन सिंपली जितना याद करना है वही आपको याद करिएगा, मैं टिक करा दूंगा अभी, ठीक है। जैसे एक क्लास एस्टेरॉइडिया, दूसरा क्लास ओफ्यूथ्रिक्स है, तीसरा क्लास एकाइनोडिया है, और चौथा होलोथ्यूरिया है, याद रखिएगा। कौन से क्लास में और सब फाइलम इल्यूटोथेरोजोआ, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना याद करिएगा कि एस्टेराइना एस्टेरियास स्टारफिश, एस्टेरोटेन ये भी स्टारफिश ही होती है, ये सारे जो है आप कह सकते हैं इसके मेंबर्स हो जाएंगे एस्टेरॉइडिया के। तो बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जनरली, और सबसे इंपॉर्टेंट के लार्वा है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टारफिश में कौन सा लार्वा मिलता है तो आप बोलिएगा बाईपेनेरिया लार्वा, क्या हो जाएगा बाईपेनेरिया लार्वा। क्लास टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए। ओफ्यूथ्रिक्स ओफ्यूरा बेटल स्टार, गार्गोनोसिफेलस बास्केट स्टार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एकाइनोडिया मेंबर ऑफ दिस क्लास इज नोन एज फ्लोटिंग स्टोन, एकाइनोडिया क्लास के मेंबर्स को फ्लोटिंग स्टोन बोलते हैं, लग रहा है पत्थर कोई बह रहा है, एकाइनस सी अर्चिन एकाइनस बोलते हैं, याद रखिएगा। लार्वा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन में लार्वा ही है, प्लूटियस लार्वा होता है एकाइनोडिया के मेंबर में, एंड एकाइनो प्लूटियस होता है। होलोथ्यूरिया में होलोथ्यूरिया कुकमेरिया सीकोकम्बर लार्वा इसका आरिकुलेरिया होता है। तो तीनों लार्वा बाईपेनेरिया, ठीक है, प्लूटियस
और आरी कुलेरिया, इसके में जो है लार्वा को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सब फाइलम है पेलमेटोजोआ, ग्लास क्रीनोइडिया, इतना रटने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम्पल और लार्वा भी याद रखिएगा। एंटीडॉन को सी लिली कहते हैं। एक टर्म होता है आता है अरिस्टोटल लैटन, एक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में पाया जाता है, ये च्यूइंग एंड बीटिंग, च्यूइंग मतलब चबाना, बीटिंग मतलब काटने वाला स्ट्रक्चर है। ऑपरेटर इन माउथ, कहाँ होता है माउथ में, प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ एकाइनोइडिया में, एकाइनोइडिया मेंबर में जो है ये पाया जाता है, जैसे सी अर्चिन, इन सब में मिलेगा। अरिस्टोटल लैटन संबंधित किससे, मैस्टिक के सर, मैस्टिक के सर मतलब होता है चबाने से संबंधित है। इकानोडर्मेट्स आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर, आपने पहले ही पढ़ा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स होते हैं कैसे, आप याद करिएगा, मैरीन होते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देता है ये अरिस्टोटल लैटन है, ये मैस्टिकेशन में हेल्प लेते हैं, इससे किसमें, मैस्टिकेशन में हेल्प लेते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से इकानोडर्मेटा के बारे में पढ़ा और मैंने बेसिक सारे एग्जाम्पल से की करके एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब एक बार सारे को आप याद करिएगा, एक बार जब आप वीडियो देखा करें, जो मैं लाइव क्लास चला रहा होता हूँ, तो इसी पे चीजों को रिवाइज किया करें, अपनी बुक बगल में रखे रहा करें, बाद में जब लेक्चर आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपने बुक में जो जो पॉइंट मैंने आपको याद कराया है आप जब पढ़ेंगे तो जो है उसको आप हाईलाइट करिए और रिमाइंड करिए। जब जो है हम यहाँ पे लाइव क्लास आपकी चला रहे हैं उस समय अपनी बुक को जो है आप बगल में रखे रहा करें, उसको ओपन करके डायरेक्टली उसी साइन पे मैचिंग ना कराएं या अंडरलाइन ना कराएं, हाईलाइट ना कराएं, क्योंकि इससे आपका जो है कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेटा, मैं सबको बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब मैं यहाँ पे क्लास चला रहा होता हूँ तो जो भी पॉइंट हाईलाइट किया गया है, जो भी पॉइंट आपको जो है टिक कराया गया है, याद करने वाला है, बार बार फोकस करवाया जा रहा है, उसको वीडियो पढ़ते समय अपने मन में बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको आत्मसात करते रहे, रिमाइंड करते रहे, और जब लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूं उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद अपनी बुक को उठाएं और उसी जो मैंने आपको पढ़ा है उसी पॉइंट को आप हाईलाइट करें और दोबारा फिर आप उसको रिमाइंड करें। इस तरीके से दो बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अभी जो है अगली क्लास फिर मंडे को आपकी होगी, ठीक है, इसके आगे वाले फाइलम को पढ़ाया जाएगा और वो पूरा खत्म भी हो जाएगा उस दिन में। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग रिप्रोडक्शन और यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा मेन जो है हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए आज मुझे बोलने में बड़ी समस्या हो रही है, और आप कोई पॉइंट अगर कम समझ में आया होगा तो एक बार जो है उसको फिर से आप रिमाइंड करके वीडियो को देखना या जो है मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है मिलेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट मंडे को क्लास जो आपकी होगी उसमें आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीक से जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे TTS वाले बैच में, TTS वाले डेज में, याद रखिएगा, उसका भी टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगला जो NPT होना है नीट पैटर्न टेस्ट 90 क्वेश्चन का, जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है उस सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और जैसे ऑनलाइन टेस्ट कल आप लोगों ने दिया था, बहुत अच्छी तरीके से जो है सक्सेस हुआ और आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने समझा भी होगा, उसका आंसर की भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है, पेपर के साथ में। तो उसको भी आप अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लीजिएगा और जो है जो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हुए हैं उन सबको हाईलाइट करके पॉइंट करके याद करते रहिए। NPT जो आगे होने वाला है और मेमोरी टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग।